हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इंसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट स्टेबलाइज है, एक ही जगह पे उसी लेवल के आसपास हम घूम रहे हैं जो कि है 39,000 के आसपास का लेवल। 40,000 के टूवर्ड्स जो एक्सपेक्टेड मूव था वो हुआ, लेकिन क्लोजर कहीं और मिला। और आज है संडे, संडे के दिन का क्लोजर वीकली कैंडल का क्लोजर होता है, एंड डेफिनेटली जो है कल से हमें वॉल्यूम एक्सपेक्टेड होगा मार्केट में। तो कैसे क्या मूव रह सकता है, लास्ट वीक है इस मंथ का, तो डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन जो उम्मीद थी उससे हम काफी ज्यादा डेविएट हैं ऑलरेडी। तो क्या हो सकता है, इन सबके ऊपर बात करेंगे। तो जाने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप अगर इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं आज का टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इंसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली इंडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल का नाम सबको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। दोस्तों, याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो जरूर जो है academy.cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। वहां पे 4 आवर का फ्री क्रैश कोर्स मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, उससे अगर आप समझ लेते हो तो भी आप आराम से मंथली 50 से 60% इजिली कमा सकते हो। तो वो सब जानने के लिए आपको जो है लिंक चेक करना होगा, लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड अगर आप सीरियसली लर्निंग करना चाहते हो, सीरियसली क्रिप्टो मार्केट से अर्निंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सेकेंड बैच में एनरोलमेंट प्रोसेस ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लास्ट वीक जो है चल रहा है, अभी भी ओपन है विद अफोर्डेबल फी। तो आप कंसिडर कर सकते हो, अगर आप को फ्री 4 आवर का क्रैश कोर्स समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली वो आपके काम का है। तो डेफिनेटली गाइस, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के टेक्निकल एनालिसिस की। तो सीधा चलते हैं बिटकॉइन के चार्ट पे। बिटकॉइन ने कल के दिन जो क्लोजर लिया है वो डेफिनेटली रेड कैंडल लिया, एक्सपेक्टेड था ग्रीन कैंडल बट रेड क्लोजर लिया। ऑल्दो मैंने आपको कहा था कि 40,000 के टुवर्ड्स हम बढ़ेंगे, वो हुआ। $39,983 से हमें रिजेक्शन देखने को मिला और काफी तेजी से रिजेक्शन देखने को मिला लेट इवनिंग में। एंड डेफिनेटली क्लोजर जो मिला वो मिला 39,421। वीकेंड का मूव है, विदाउट वॉल्यूम मूव है, डेफिनेटली ज्यादा कुछ सिग्निफिकेंट नहीं रखता। लेकिन ये क्लोजर जो है, अभी तक जितने भी क्लोजर हैं अभी रिसेंटली जो हमने देखा पिछले 10 दिनों में, उस क्लोजर के बिल्कुल बराबर है। इसके नीचे बिटकॉइन को क्लोज नहीं करना चाहिए आइडियली। एंड डेफिनेटली हम अगर यहां से बॉन्स लेते हैं और इसके ऊपर कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं बेटर कहा जाएगा, लेकिन 40,000 के नीचे आपको पता है बाउंड्री लेवल हम स्लिप कर रहे हैं। बाउंड्री लेवल जब जब स्लिप करेगा तब ऑल्टकॉइन सफर करेंगे। एंड वीकेंड में तो मूव विदाउट वॉल्यूम हो रहा है तो डेफिनेटली ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वीकडेज में अगर इसका इंपैक्ट देखा जाए तो जरूर पड़ता हुआ दिख सकता है आपको। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस लेवल से बाउंस करें एंड टुवर्ड्स 40,000 के रेंज में हम अगर क्लोजर दिखाते हैं, 40,500-600 के अबव कहीं पे भी क्लोजर दिखाते हैं तो एक अच्छा क्लोजर माना जाएगा। डेफिनेटली 21 ईएमए के हम फिर भी बिलो रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें मोमेंटम मिल सकता है मॉर्निंग आवर्स में कल के दिन। लेकिन डेफिनेटली क्लोजर होने के बाद ही सब कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि कल के दिन भी हमने ऊपर मार्केट मूव दिखाया था लेकिन क्लोजर नहीं ले पाया था। अभी भी हम 39,700 के आसपास पढ़ रहे हैं, तो क्या हो सकता है। वनडे का चार्ट डेफिनेटली हम ज्यादा अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि वीकेंड का मूव है, हम वहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं 40 के आसपास। मैंने आपको कहा 60 से हमें रिजेक्शन मिला, 40 से हम बॉन्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम टूवर्ड 60 फिर से बढ़े। साइडवेज एक्शन की निशानी है एंड वही हो रहा है पिछले कई हफ्तों से, तो डेफिनेटली यहाँ पे बॉन्स मिल सकता है। लेकिन उससे पहले क्या एक लास्ट स्पाइक लोगों को डरा सकता है क्या? और जो 36,000 का लेवल जिसकी मैं बार बार बात कर रहा हूँ, वो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट लेवल है, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे गोल्डन रेशियो के नीचे अगर हम 38,900 के बिलो अगर क्लोजर दिखाते तो वो भी अच्छा संकेत नहीं होगा। तो इन दोनों ही फिगर का ध्यान रखना है। एंड अगर बिटकॉइन यहाँ पे क्लोजर 40,600 के ऊपर दिखाता है तो डेफिनेटली कल का जो क्लोजर हो सकता है, कल का जो दिन का ओपनिंग हो सकता है वो कैसा भी रहे, लेकिन इवनिंग आवर्स में आपको मोमेंटम अच्छा दिख सकता मार्केट में। तो मोमेंटम की बात करें शॉर्ट आवर्स में तो उससे ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अभी 1 आवर के चार्ट पे स्टिल स्ट्रगलिंग, जो रिसेंटली हमने फॉल बैक देखा 42,000 लगभग 800 के आसपास के फिगर से, वो लेवल अभी भी हमें स्ट्रगल करा रहा है। 21 ईएमए हम सपोर्ट टेस्ट कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, फिर से टेस्ट कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं टुवर्ड्स क्लोजर अबव 39,900। अगर हम उस लेवल के ऊपर जाते हैं तो देर इज डेफिनेटली हाई रेजिस्टेंस नियर बाय $40,256 एंड $40,577। वहीं स्लिप करते हैं तो मैंने आपको लेवल बता रखा, फ्लोर है हमारा 38,900 के आसपास, तो ये इसी रेंज में रह सकता मार्केट। मेरे हिसाब से हम फिर से रिट्राई करेंगे 40,000 के अबव जाने की, स्पेशली इवनिंग आवर्स तक आते आते। एंड डेफिनेटली जो है
फिलहाल 4 आवर के चार्ट पे हमने रिसेंटली कई अटेम्प्ट होने के बाद, जो रिसेंटली आपको 28 मार्च के बाद से जो डाउनवर्ड मूव दिखाया, उसमें हम पहली बार रिसेंटली अभी लगभग 21 अप्रैल को रीटेस्ट किए 200 EMA लाइन। एक्सपेक्टेड था वहां पे रेजिस्टेंस, फेल हुए हैं, वापस से 21 EMA के ऊपर आ गए हैं, नीचे आ गए हैं। तो 21 EMA के ऊपर जाना है इस फर्स्ट प्रायोरिटी, जो कि 40,100 के आसपास अभी लेवल बना हुआ है, और जिस हिसाब से मोमेंटम इंडिकेटर बता रहा है, देर इज अ प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को टेस्ट कर रहे हैं आने वाले आवर्स में। बट अभी भी मोमेंटम इंडिकेटर में मोमेंटम आया नहीं, अभी साइडवेज एक्शन है, और ऐसे मूव आने के बाद ही मोमेंटम आता है। तो क्या इसे नीचे पुश करेगा या ऊपर, वो तो आने वाला वक्त ही कन्फर्म करेगा। बट 4 आवर के चार्ट पे भी आपको दिखेगा RSI धीरे धीरे टर्न लेता हुआ दिख रहा है। बहुत अर्ली फेज है, और अर्ली फेज में बहुत ही मुश्किल होता है गेस करना कि यही बॉटम था या नहीं। ऑल्दो देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी अगर हम आज संडे के दिन इस लेवल के ऊपर 40,600 के अबव कहीं पे भी क्लोजर लेते हैं, तो एक अच्छा क्लोजर माना जाएगा कंपैरेटिवली, एंड डेफिनेटली जो है उसका इम्पैक्ट आने वाले डेज में पड़ेगा। मैकडी की बात करूं तो मैकडी पे अभी लेवल आप 4 आवर के चार्ट पे देखोगे, इस कस्टमाइज इंडिकेटर के हिसाब से भी आप देखोगे तो रिटर्न लेता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी बुलिश मोमेंटम कंफर्म नहीं हुआ। 1 आवर के चार्ट पे भी मैं मैकडी दिखाना चाहूंगा, तो मैकडी जो है 1 आवर के चार्ट पे रीट्राई कर रहा है जीरो के अबव आने के लिए, बहुत स्ट्रगल कर रहा है। डेफिनेटली आ चुके हैं हम जीरो के अबव, एंड इस जगह पे बाउंस लेना बहुत जरूरी है। इस टाइप का भी अगर बाउंस आता है हमें, तो हमें ऊपर की तरफ मोमेंटम दिखेगा और क्लोजर हमें मिल सकता है, बट यहाँ से रिजेक्शन मिलने के भी उतने ही चांसेस होते हैं। बाउंड्री लेवल है यार, सिंपल सा फंडा होता है। बाउंड्री पे आप अगर होते हो तो थोड़ा भी इधर आते हो तो निगेटिव वे में आ जाते हो, और इधर आते हो तो पॉजिटिव साइड में दिखते हो, तो वैसा ही कुछ मोमेंटम है। तो बाउंड्री लेवल पे बिटकॉइन है, बाउंड्री लेवल पे ऑल्ट कॉइन है, बाउंड्री लेवल पे ही बाकी के सारे क्रिप्टो करेंसी है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे लेवल्स में जो है सुधार हमें आने वाले डेज में दिखे। 4 आवर का चार्ट ऑल दो ये कह तो रहा है कि हो सकता है, लेकिन अभी भी काफी अर्ली है, क्योंकि हमारा डॉटेड लाइन हमें बता रहा है कि अभी भी हम स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं। एंड डेफिनेटली जो है रेड लाइन भी यही इंडिकेट कर रहा है कि हम अभी नीचे के जोन में हैं, एंड कोई भी इंडिकेटर अभी पॉजिटिव नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली पॉजिटिव होने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है, उसमें प्राइस तो ऊपर जाएगा तभी कंफर्म होगा। बट यहाँ पे 1 डे के चार्ट पे जरूर एक चीज कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमें 2 दिन पहले ग्रीन कैंडल दिखा था अगर याद हो आपको, लेकिन क्लोजर मैटर करता है, और वही कल भी हुआ, वही परसों भी हुआ था, एंड अल्टीमेटली रेड में ही हम अभी भी बने हुए हैं। और क्या ये मार्केट का बॉटम था 39,000 के आसपास जो हम गए हैं, ये तो देखो कुछ दिन गुजरने के बाद ही कंफर्म होगा। जैसे यहाँ पे हमें बॉटम था या नहीं, यहाँ पे बॉटम था या नहीं, ये चीजें जब टाइम निकल जाता है उसके बाद पता चलता है। लेकिन मोमेंटम वाइज जरूर मैं बात करूंगा कि मोमेंटम थोड़ा सा हम गेयर अप करें तो हमारा मोमेंटम पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मोमेंटम जो है लगभग 5 अप्रैल के बाद से, जो जहां से हम स्लिप किए हैं, वहां से कंटिन्यूसली वीक हो रहे हैं, और वीकनेस अभी भी जीरो के अबव है। हम इस बात को समझना है, इस बात को याद रखना है कि जीरो के अबव हम डील कर रहे हैं, और इसीलिए प्राइस जो है संभला हुआ है। एंड जैसे हम जीरो के नीचे जाते हैं तो बहुत ज्यादा मोमेंटम खराब होता है। डेफिनेटली जैसे ये वाला फेज था हमारा मई के आसपास, और वैसा ही फेज हमें नवंबर के आसपास भी देखने को मिला था। तो ये मोमेंटम नीचे नहीं रहना इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, एंड अगर ये हमें आने वाले डेज में कंफर्म होगा तो जरूर हमें इस पे पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे, अगर हमें क्लोजर एक अच्छे खासे रिस्पेक्टफुल एरिया पे मिलता है। तो डेफिनेटली अब मैं बात करूंगा डोमिनेंस चार्ट की। डोमिनेंस चार्ट इज ऑल्सो ऑन द बाउंड्री लाइन, फिर से वही बाउंड्री पे हम पहुंच गए हैं। रिसेंटली रिजेक्शन मिला, बट अभी थोड़ा बहुत हम संभल रहे हैं। बिटकॉइन के साथ इनवर्स रिलेशनशिप अभी भी बना हुआ है, हमें चाहिए कि बिटकॉइन जो है ऊपर जाए, डोमिनेंस चार्ट जो है नीचे जाए, इनवर्स रिलेशनशिप हमें चाहिए, उल्टा मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे अभी बिटकॉइन के साथ ही ये बढ़ता हुआ नजर आता है, तो डेफिनेटली स्विचिंग बहुत पॉसिबल होता है बाउंड्री लेवल पे। तो जब तक स्टेबलाइज नहीं होगा 42,000 के ऊपर, तब तक हमें स्विचिंग जो है इम्पैक्ट करता रहेगा। डेफिनेटली हम इस लेवल पे भी बाउंड्री लेवल पे, एंड गोल्डन रेशियो ऑलरेडी अभी तक टेस्ट नहीं किए हैं, एंड मेरे हिसाब से हम जरूर जो है गोल्डन रेशियो की तरफ जा रहे हैं, एंड ये सब होता हुआ दिखेगा आने वाले डेज में। क्या ये रिलेशनशिप की वजह से बिटकॉइन भी गिरेगा, ये भी गिरेगा? देखो पॉसिबिलिटीज होता है, हमेशा ही होता है, बट फायदा असली तभी मिलेगा जब हमें इन्वर्स रिलेशनशिप मिलेगा। बिटकॉइन 42,000 के ऊपर संभलता हुआ दिखेगा, एंड डोमिनेंस चार्ट नीचे जाता हुआ दिखेगा, तभी वो सारे टारगेट्स पॉसिबल है जो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अगर इसमें फर्क आता है तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में भी फर्क पड़ता है। BTC पेयर में तो आपको बेटर प्राइस मिल सकता है अगर नीचे जाता है तो, लेकिन अगर बिटकॉइन नीचे स्लिप करता है तो भी ऑल्टकॉइन आपको डॉलर के टर्म में, रुपीज के टर्म में अच्छा स्ट्रेंथ नहीं मेंटेन करते हुए देखेंगे। तो इस पर भी फोकस रहना है। 4 आवर के चार्ट पे अगर देखोगे तो जरूर फिर से शॉर्ट का पोजिशन मेंटेन हो गया, जो रिसेंटली लॉन्ग बना था, जो कि एक्सपेक्टेड
टारगेट है, बट ये लेवल बाउंड्री लेवल है। अगेन से यहाँ से स्लिप करेंगे हम, नीचे के लेवल जाने की हाई प्रोबेबिलिटी है, जो कि मुझे लगता है आने वाले नेक्स्ट 24 आवर्स में हम जाने की कोशिश करेंगे। वीकली चार्ट पे अगर नजर डालें, क्योंकि वीकली कैंडल का क्लोजर मिलने वाला है, अभी भी हम काइंड ऑफ डोजी कैंडल ही बना रहे हैं और अल्टीमेटली हम उसी जगह पे जहाँ पे पिछले 3 हफ्ते से हैं। तो मार्केट में जब तक मूव नहीं आएगा तब तक आपके पोर्टफोलियो में भी मूव नहीं आएगा। डेफिनेटली जो है हमें इंतजार है, और ऐसे इंतजार की घड़ियों के बाद ही हमें मोमेंटम दिखता है। शिकार करने के लिए आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है, और ये डोमिनेंस चार्ट है। डोमिनेंस चार्ट ने पिछले साल जनवरी दिसंबर के आसपास भी बहुत पेशेंस कराया, पेशेंस टेस्ट लिया था। डेफिनेटली उस टाइम डॉलर में हम बढ़ रहे थे लेकिन बीटीसी पेयर में नहीं बढ़ रहे थे, और लेकिन जब असली रैली शुरू हुआ था तो बीटीसी पेयर में बहुत तेजी से स्पाइक हुए थे प्राइस, आपको पता है। तो कुछ वैसा ही मोमेंटम का इंतजार है। क्या वो आएगा नहीं आएगा, वो लेवल 39 क्रॉस जब होगा उसके बाद ही कंफर्म होगा, लेकिन फिलहाल हम उस डायरेक्शन में जरूर हैं, यानी 41.62 के आसपास हैं, 39 के टुवर्ड्स हम बढ़ रहे हैं, एंड आने वाले वीक में हमें ये सब चीजें कंफर्म होता हुआ दिखेगा। और डेफिनेटली यहाँ पे बात करूँ इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे, बिल्कुल बाउंड्री लेवल 21 EMA के नीचे हम फिर से क्लोजर लिए हैं। आज के दिन क्या हम ऊपर क्लोजर लेंगे या नीचे लेंगे तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर इंडिकेटर्स की बात करूँ तो यस संभलता हुआ दिख रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पे हमें स्पाइक एक्सपेक्ट करना चाहिए, एंड डेफिनेटली जो है RSI पे भी नजर लूंगा। एंड यहाँ पे देखोगे अभी 21 EMA हमें स्ट्रगल करा रहा है 4 आवर के चार्ट पे, एंड यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है नेक्स्ट 4 to 8 आवर वो थोड़ा सा स्ट्रगल भरा हो सकता है, उसके बाद आपको ये संभलता हुआ दिख सकता है। तो डेफिनेटली RSI की बात करूँ, RSI का एवरेज लाइन 50 के आसपास है, वहीं RSI जो है अपने आप में 45 के आसपास घूम रहा है। हम अराउंड 32 का लेवल टेस्ट करके 4 आवर के चार्ट पे हायर लो एंड हायर हाई मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जिस हिसाब से एवरेज लाइन ऊपर की तरफ इंडिकेट कर रहा है, इट मीन्स कि यस इथेरियम BTC चार्ट आने वाले आवर्स में ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा, लेकिन वनडे के चार्ट पे आपको ये संभलता हुआ दिखना चाहिए। हमने रिजेक्शन रिसेंटली 66 के आसपास लिया, तब से हमने वीकनेस देखा है डेफिनेटली 12-13 अप्रैल के बाद से, एंड यहाँ पे अभी फिलहाल वर्स्ट के सिनेरियो 0.0723 के आसपास अभी भी पॉसिबल है। वो लेवल के बाद जो नेक्स्ट टारगेट अगर नीचे की तरफ जाता है तो 0.071 होगा, जहाँ पे 200 EMA लाना है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एंड डेफिनेटली जो है अगर हम यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेते तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम इस लेवल को ब्रेक करें, और इस लेवल को काफी दिनों से हमने होल्ड करके रखा है। डेफिनेटली अगर ब्रेक होता है तो हमें जो रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल का जो इथेरियम का जो पीक है वो टूटता हुआ दिख सकता है, लेकिन उस समय इंतजार करना होगा। मोमेंटम भी बिटकॉइन का भी सही होना चाहिए, तभी हमें ज्यादा मेजर फायदा होता हुआ दिखेगा। एंड इथेरियम के USDT चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे बिटकॉइन के साथ साथ ही मोमेंटम चल रहा है। क्या ये W पैटर्न अगर बन रहा है जो कि दिख रहा है तो यहाँ पे इतना लंबा टाइम पीरियड यहाँ पे ले सकता है क्या? तो देखो पॉसिबिलिटीज हमेशा रखनी चाहिए, मार्केट में कुछ भी पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि आप डिनाई कर दोगे, लेकिन चांसेस की बात करूं तो मेरे हिसाब से हम $3,054 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं आने वाले नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स में, लेकिन फिर से वहां पे रिजेक्शन अगर हमें मिलता है तो जरूर ये कंसर्नफुल हो सकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी 200 EMA लाइन के नीचे, और ऐसी सूरत तभी होगी जब बिटकॉइन 39,000 के नीचे स्लिप होगा। तो डेफिनेटली नजर रखूंगा, आप भी रखिए, एंड मार्केट साइडवेज एक्शन में है, वीकली चार्ट पे भी, मंथली चार्ट पे भी, डेली चार्ट पे भी, एंड डेफिनेटली जो है हमें इंतजार करा रहा है। तो इंतजार करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर मार्केट में लंबा खेलना है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। तो गाइज आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।